चंबा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित लड़की का सौतेला पिता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार दोपहर को चाइल्ड लाइन चंबा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ कुछ दिन पूर्व दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता ने चाइल्ड लाइन को बताया कि जब उसकी माँ उसकी बड़ी बहन के घर गई हुई थी तो घर पर उसका सौतेला पिता तथा उसकी छोटी बहन कमरे में सोए थे। पीड़िता जमीन पर सोई थी जबकि पिता बेड पर सोया था। आरोपी रात को उसके पास आकर सो गया था और दुष्कर्म किया। उसे धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसको व उसकी माँ को जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कई बार कर चुका है और वह कई दिनों से इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही है। चाइल्ड लाइन के समन्वयक कपिल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चाइल्ड लाइन ने फोन के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ लड़की की काउंसलिंग की है। लड़की की माँ से भी बात की गई। परिवार बहुत डरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में डीसी, डीएसपी, बाल कल्याण समिति चंबा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंबा को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं, उसका मेडिकल करवाया जाएगा। डीएसपी चंबा अजय कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।